आप में से कितने लोगों ने बिग शॉट मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं जो रिसेंटली अभी यूएस के स्टॉक मार्केट में हो रहा है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, गेम स्टॉप। तो आखिर ये गेम स्टॉप है क्या? एक्चुअली रियलिटी में हुआ क्या यूएस मार्केट में विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक गेम स्टॉप? तो चलिए बात करते हैं अबाउट गेम स्टॉप, अबाउट व्हाट हैपेंड इन यूएस मार्केट इन दिस वीडियो। वेलकम टू द चैनल गाइस, दिस इज प्रिंस एंड यू आर वॉचिंग कैनेडा कॉकटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं गेम स्टॉप। आखिर ये गेम स्टॉप है क्या? तो पिछले कुछ दिनों में अगर आपने भी फाइनेंशियल वर्ल्ड की न्यूज़ सुनी होगी तो आपको भी पता चला होगा कि यूएस के काफ़ी बड़े बड़े हेज फंड्स का दिवाला निकलने वाला है, और इस दिवाला निकलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही स्टॉक है, और वो स्टॉक है गेम स्टॉप। तो आखिर ये स्टॉक है क्या? आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो चुका है? एक्चुअली होने वाला भी है कई फंड्स को, एंड काफ़ियों को तो हो भी चुका है। तो मैंने भी जब ये न्यूज़ सुनी कि काफ़ी फंड्स ऑलमोस्ट बंद हो रहे हैं, लाइक दे आर क्लोजिंग इट आउट, तो फिर मैंने उस पर सर्च करा कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो जो मैंने पढ़ा और फिर जो और भी चीज़ें पता चली, वो अगर मैं एक लाइन में अगर आपको बोलूं तो वो किसी हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। तो जैसी एक मूवी की स्टोरी होती है जिसमें कुछ अमीर पावरफुल लोग दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग नॉट इलीगल, बट फिर भी थोड़ा सा एक मिस्चीवियस चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसको करेक्ट करने के लिए कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक क्या कर सकती है और उसका पावर कितना होता है, वो ये अभी वॉल स्ट्रीट में रिसेंटली क्लियर हो गया। तो इस कहानी को पूरा समझने के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, राइट? तो ऑब्वियसली पूरा स्टॉक मार्केट की डिटेल तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता, बट इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट सेलिंग इज़ लाइक कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि मान लीजिए अभी इस शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, एंड आपकी ये स्पेकुलेशन है या फिर आपकी एनालिसिस है, आप कुछ भी कहिए, आपको लग रहा है कि ये आने वाले समय में इसकी प्राइस गिर के से 50 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप अपनी एनालिसिस में काफ़ी मतलब आपको वो 100% श्योर शॉट लग रही है कि ऐसा होना ही होना है, तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू अ शॉर्ट सेल, जिसमें आपको शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिना बाय किए शेयर बेच दिए 100 रुपीज़ में। तो इसमें जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो ये कि आपने ब्रोकर से शेयर बोरो किए, आपने बाय नहीं किए, एंड आपने उसको मार्केट में सेल कर दिए, किसी और बायर ने आपसे वो शेयर खरीद लिए, बट इन रियलिटी आपके पास वो शेयर नहीं है, जिसका कुछ विद इन अ टाइम पीरियड आपको स्क्वायर ऑफ करनी होती है अपनी पोजीशन, कि आपने जो शेयर बोरो किए थे ब्रोकर से शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, वो आप मार्केट से वापस खरीद के अपनी पोजीशन ब्रोकर से नेट ऑफ कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो आपकी थ्योरी थी, जो भी आप सोच रहे थे कि अभी 100 रुपीज़ पे है, आने वाले समय में, आने वाले कुछ टाइम में ये 50 रुपीज़ में हो जाएगा, तो आपने 100 में बेच दिया, जब वो 50 में हो जाएगा तो आप मार्केट से वापस उसको ख़रीद लेंगे, और इस प्रोसेस में आपको 50 रुपीज़ पर शेयर का फ़ायदा हो जाएगा। सो इन अ नटशेल दिस इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आपने बिग शॉट मूवी देखी है क्या? अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, एक बार तो देखना बनता है, अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है। तो जो बिग शॉट मूवी थी वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट में मूवी थी, जिसमें
जो 2008 का जो सब प्राइम मॉर्गेज डिफॉल्ट और जो बहुत बड़ा फिनेंशियल स्कैम हुआ था, तो वो मूवी उसी पे बेस्ड। एंड जो अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट में हुआ है वो काफ़ी हद तक उस मूवी से मिलता जुलता है। अब हम बात करते हैं कि ये गेम स्टॉप में हुआ क्या है। सो गेम स्टॉप का जो बिजनेस है वो जो डिजिटल गेमिंग वर्ल्ड है उससे रिलेटेड है। इनके काफ़ी स्टोर्स हैं अक्रॉस अमेरिका, इवन इन कैनेडा। तो अभी पिछले कुछ टाइम से, ऑब्वियसली आई मीन पिछले कुछ सालों से बिजनेस वॉज नॉट ग्रोइंग। सो इनका बिजनेस थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज में था। तो जो ये फाइनेंशियल पंडित होते हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो गुरु सो कॉल्ड गुरुज होते हैं, तो उनकी जो एनालिसिस थी वो ये थी कि गेम स्टॉप का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस जो है वो और नीचे गिरेगा। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट टाइम आई थिंक इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड $30 पर स्टॉक। एंड जो प्रडिक्शन उनकी लग रही थी, जो भी उनका स्पेकुलेशन थी या फिर जो भी उनकी एनालिसिस थी, उसके अकॉर्डिंगली दे वर थिंकिंग दैट द स्टॉक प्राइस विल गो डाउन इन सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे अब जो मैंने जो मैंने बात करी थी शॉर्ट सेलिंग की, वो यहाँ पे अप्लाई होती है, करेक्ट? तो ये जितने भी बड़े बड़े हेज फंड्स ओनर हैं, इन्होंने क्या सोचा कि अभी तो प्राइस 30 चल रहा है एंड इन कमिंग डेज दिस प्राइस विल गो डाउन इनटू अ सिंगल डिजिट, सो व्हाई नॉट मेक मनी, राइट? और इन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी। अब शॉर्ट सेलिंग करी तो करी, यहाँ तक तो ठीक था, बट जो डेटा निकल के आया है वो ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 140% शॉर्ट सेलिंग कर ली। मीनिंग कि उतने तो शेयर ही नहीं है मार्केट में, ब्रोकर के पास भी नहीं है, बट स्टिल ओवर एंड अबव 140% शॉर्ट सेलिंग हो गई। तो यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी, राइट? इसमें कुछ गलत तो नहीं है, आपने एनालाइज किया, आपको लग रहा है कंपनी की ग्रोथ नहीं है, तो आपने शॉर्ट सेलिंग कर दी। उसके बाद आई थिंक वन ऑफ द हेज फंड, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, सिट्रॉन और मेलवन, आई एम नॉट श्योर, इनमें से एक हेज फंड ने अपनी पोजीशन डिस्क्लोज करी एज अ पार्ट ऑफ देयर रिपोर्ट। आई थिंक क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट में उन्होंने डिस्क्लोज किया कि उनकी गेम स्टॉप में ये पोजीशन है, एंड जो वो पोजीशन थी शॉर्ट पोजीशन थी, एंड दैट टू इन अ बिग क्वांटिटी, बिग बिग क्वांटिटी। तब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है रेडिट। यस, सो रेडिट एक फोरम है जो यूएस एंड कनाडा में काफ़ी फेमस है, काइंड ऑफ चैटिंग फोरम आप समझ लो, एडवाइस फोरम समझ लो, जिसमें आप काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिसमें आप सर्च कर सकते हो, एडवाइस पूछ सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। उसी में से एक फोरम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। अब उस फोरम में, उसमें एक बंदे ने ये पोजीशन डिस्क्लोज करी कि एक्स वाई जी हेज फंड ने काफ़ी क्वांटिटी में गेम स्टॉप के शेयर को शॉर्ट करा हुआ है। तो जैसा होता है ना, ट्विटर में हैशटैग वायरल हो जाता है, कोई वीडियो वायरल हो जाता है, वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे उस बंदे ने जो एडवाइस दी लोगों को, रेडिट में जो इन्वेस्टर्स एडवाइस लेने आते हैं या शेयर करने आते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, तो उसमें ये वायरल हुआ कि लेट्स बाय गेम स्टॉप। तो यू वोंट बिलीव, जितने भी इन्वेस्टर्स रेडिट में उस फोरम में शेयरिंग बेसिस पे अपनी चीज़ें आपस में बात करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, सबने गेम स्टॉप के शेयर बाय करने चालू कर दिए। तो उससे क्या हुआ, स्टॉक की डिमांड बढ़ गई। अब सप्लाई तो वैसे ही नहीं थी मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करके रखी हुई थी। तो जब बायर्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आए एक साथ मार्केट में, एंड
यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे बायर्स हैं ये रिटेल बायर्स हैं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं, कोई मेजर प्लेयर नहीं, आप और मैं जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ये वो हैं। तो जब ये सारे रिटेल इन्वेस्टर मिलके एक साथ इस GameStop के शेयर को बाय करने लग गए तो यू वोंट बिलीव, इसका स्टॉक प्राइस 100%, 200%, 300%, 400% जंप हो गया। रीसेंट जो प्राइस गया था, आई थिंक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला $30 पे शॉर्ट सेलिंग करी हुई थी एंड प्राइस वेंट अप टू $400। तो पूरी रिटेल आर्मी, कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर ने इस स्टॉक की वैल्यूएशन $1 billion में लेके आ गए। एंड इससे क्या हुआ, जितने भी ये बड़े हेज फंड्स थे जिन्होंने मिलियंस में इसको शॉर्ट करा हुआ था इन एंटिसिपेशन कि दिस विल गो डाउन इनटू अ सिंगल फिगर, वो तो नहीं हुआ। इंस्टेड इट वेंट अप टू $400-$500 पर शेयर। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने शॉर्ट सेलिंग करी है तो आपने ब्रोकर से शेयर बोरो किए, अब ब्रोकर ने आपको कोई शेयर तो फ्री में दे नहीं रखे हैं, करेक्ट, आपको कुछ मार्जिन देना पड़ता है। तो वो जनरली ऐसा चलता है कि जो शेयर प्राइस है उसका 1/3 आपको सेटल करना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन अगर ओपन रखनी है तो अगर आपने 30 रुपीज़ पे शॉर्ट सेल करा था तो 10 रुपीज़ आपको सेटल करके रखना पड़ेगा, 1/3 ऑफ द प्राइस, ताकि वो पोजीशन आप शॉर्ट सेलिंग की अपने पास रख सको। तो जब तक तो वो 2 डिजिट में था तब तक कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ हियर व्हेन दिस स्टॉक वेंट अप टू 400-500, तो उसका 1/3 होता है अराउंड $130-$150, राइट। सो $150 दे हैड टू सेटल इफ दे वॉन्ट टू कीप द पोजिशन, शॉर्ट सेलिंग पोजिशन। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 400-500 पे जाके रुक जाएगा, नीचे आना चालू हो जाएगा, नहीं, बिकॉज नो वन इज सेलिंग। तो अगर कोई बेच ही नहीं रहा है मार्केट में तो फिर ऑब्वियस बात है आप पहले बोलोगे कि मैं आपको $100 देता हूँ, नो आई एम नॉट सेलिंग एट $100, मैं आपको $200 देता हूँ, स्टिल आई एम नॉट सेलिंग एट $200। ऐसे ही करते करते वो $500 पे आ चुका है एंड स्टिल नो वन इज सेलिंग इट आउट। तो ये है पूरा GameStop की कहानी। अब इस कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये कि जितने ये बड़े बड़े हेज फंड्स थे, फाइनेंशियल प्लेयर्स थे, दे हैव लॉस्ट अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिगर इज स्टिल नॉट डिस्क्लोज्ड, बट जो रिपोर्ट कहती है दैट अराउंड $20 billion, आई मीन दे हैव बुक्ड लॉसेस अराउंड $20 billion। तो जिसका अगर लॉस हुआ है तो ऑब्वियस बात है किसी ना किसी का तो प्रॉफिट हुआ होगा, दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो यहाँ पे जो जिनका प्रॉफिट हुआ है, जो गेनिंग साइड में रहे हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। दे वर हैविंग ओनली पोर्टफोलियो ऑफ से $100,000, नाउ दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ $1 million जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉक। एंड रिसेंटली दिस बिलियनियर मार्क क्यूबन, अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें ही इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर, ही सेड हिज 11-year-old सन मेड प्रॉफिट विद दिस, आई मीन आई थिंक ही मेड $1 million प्रॉफिट, मोर देन $1 million प्रॉफिट इन GameStop, 11-year-old सन। तो ये कहानी है और ये कहानी यहाँ यहीं नहीं रुकती है, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसपे इन बड़े बड़े हेज फंड ने शॉर्ट सेलिंग करी हुई थी एंड अब वो सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में आ रहे हैं। सो दे आर आई मीन देयर वैल्यूएशन इज गोइंग अप डे बाय डे। तो जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, AMC, इनको काइंड ऑफ एक सेकेंड लाइफ मिल गई है अगर बोला जाए तो, क्योंकि दे वर एट द
वर्ज ऑफ क्लोजिंग आउट और बिकॉज ऑफ रेडिट, बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सारे स्टॉक आज धूम मचा रहे हैं, मतलब वॉल स्ट्रीट में काइंड ऑफ धूम मचा रहे हैं। तो अब इसमें सही कौन गलत कौन ये आप डिसाइड करिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने पढ़ा था तो सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि हुआ क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट करिए, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट। ऑल वी नीड इज़ योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।